एक समय की बात है, एक घर में लीला देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस औरत के पति का देहांत कुछ सालों पहले ही हुआ था। लीला देवी के तीन बेटे और बहू थे। सबसे बड़े बेटे का नाम हरीश, उससे छोटे बेटे का नाम रवि और सबसे छोटे बेटे का नाम आकाश था। हरीश की बीवी हेमलता पूरा दिन बस घर के कामों में और अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। रवि की बीवी राधा बड़ी ही घुमक्कड़ और फैशनेबल औरत थी और कभी घर में टिकती ही नहीं थी। सबसे छोटे बेटे आकाश की बीवी हर वक्त लैपटॉप पर लगी रहती थी। एक दिन लीला देवी सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करने जाती है। आ गए तुम सब, पर ये राधा और आरती कहाँ है? माँ जी, वो राधा तो पार गई है और आरती देर रात तक काम कर रही थी इसलिए सो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इन दोनों का? अरे कम से कम पूजा के वक्त तो सारा परिवार इकट्ठा हो ही सकता है, पर नहीं, एक को घूमने का बहाना चाहिए तो एक काम का बहाना बनाकर सुबह देर तक सोती रहती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो मैं ऐसी बहुएं घर में ले आई। माँ जी, आप सुबह सुबह अपना मन खराब मत करो, हम सब तो है ना, चलो हम पूजा शुरू करते हैं। सब लोग पूजा करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तीनों बेटे अपने काम पर चले जाते हैं और हेमलता रसोई में खाना बनाने लगती है। लीला देवी आंगन में बैठी पान खा रही होती है। थोड़ी देर बाद राधा पार्क से वापस आती है। अरे भाभी, मेरे लिए फटाफट एक गिलास नींबू पानी बना दो। ओ हो, महारानी आ गई तुम। एक तो पूजा के वक्त गायब हो जाती है और ऊपर से आकर उस बेचारी पर हुक्म चला रही है। क्या है माँ जी, सुबह सुबह मुझे सुनाना शुरू मत कर दो आप। राधा के जाने के बाद वहाँ आरती आंखें मलती हुई आती है। हाय भाभी, जरा एक कप अदरक वाली चाय तो बना दो। अभी एक महारानी गई नहीं कि दूसरी आ गई हुकुम बजाने। अपना अपना काम खुद किया करो, समझी? वो कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अरे माँ जी, कोई नहीं, बस 5 मिनट का ही तो काम है। आप कितनी अच्छी हो भाभी, और एक ये है जो हर वक्त बस हमें सुनाने का मौका ढूंढती रहती है। अरे माँ जी, आप चिंता न करेंगे, सब सीख जाएंगी, अभी बचपना है बस, और कुछ नहीं। राधा और आरती का हमेशा वही रवैया रहता था। वो हेमलता के सीधेपन का हमेशा फायदा उठाती और उसी से सारा काम करवाती थी। एक दिन जब घर पर तीनों बेटों में से कोई नहीं होता, तब लीला देवी की तबीयत बड़ी खराब हो जाती है। कोई बचाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कोई जल्दी आओ। लीला देवी की आवाज़ सुनकर राधा बाहर आकर देखती है और फिर वापस जाकर अपनी देवरानी आरती से बोलती है, अरे ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है, जरा देखो तो, मुझे थोड़ी बुला रही हो जो मैं जाऊँ। ऐसे तो वो मेरा भी नाम नहीं ले रही है, तो मैं भी क्यों जाऊँ। अरे छोड़ो ना, हम अपनी मूवी देखते हैं, इनका तो काम ही है हर वक्त हमें परेशान करना। ये तो चाहती ही नहीं कि हम 2 मिनट भी आराम कर ले। लीला देवी जमीन पर गिर जाती है। अब तो उनकी आवाज भी निकलनी बंद हो जाती है, पर दोनों में से कोई भी बहू नीचे नहीं आती। काफी देर बाद जब हेमलता बाजार से सब्जी लेकर घर आती है तो अपनी सास को जमीन पर पड़ा देख उसकी चीख निकल जाती है, माँ जी, अरे कोई जल्दी आओ, अरे कोई है, जल्दी आओ, देखो माँ जी को क्या हो गया, अरे कोई तो आओ। हेमलता की आवाज़ सुनकर जल्दी से राधा और आरती नीचे आती हैं। अरे इन्हें क्या हो गया, मैंने तुम दोनों को बोला था ना कि माँ जी का ध्यान रखना, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओ हो, खुद तो आप बाजार चली गई थी घूमने और अब हम पर चिल्ला रही हो। मैं घूमने नहीं गई थी, मैं बाजार से जरूरी सामान लेने गई थी। अब जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी से डॉक्टर आता है, पर लीला देवी के पास वक्त नहीं होता। वो जाते जाते अपने गहने और घर के कागज हेमलता को दे जाती है। हेमलता बहुत रोती है, पर राधा और आरती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लीला देवी के मरने पर हेमलता बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, पर राधा और आरती को तो बड़ी ही खुशी हो रही होती है। उनके पति भी उनसे इतना डरते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कह पाते। एक रात राधा पानी पीकर अपने कमरे में वापस जा रही होती है तो देखती है कि आंगन में कुर्सी पर बैठकर कोई पान खा रहा है। इस कुर्सी पर तो वो बुढ़िया बैठती थी, तो फिर इस वक्त यहाँ ये कौन हो सकता है, कहीं उनका भूत तो नहीं। सही कहा तुमने बहू, मैं ही हूँ तेरी सास, अब मैं आ गई हूँ वापस तुमको सबक सिखाने। अगली सुबह हमेशा की तरह राधा पार्क चली जाती है और आरती मजे से सो रही होती है और बेचारी हेमलता रसोई में काम कर रही होती है। हेमलता की तबीयत उस दिन बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो थोड़ी देर कमरे में जाती है कि तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। यहाँ तो सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बेचारी मेरी बहू कैसे करेगी इतना काम, मैं अभी सब कर देती हूँ। चुड़ैल एक चुटकी बजाकर सारा खाना बना देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। जब वहाँ हेमलता वापस आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि ये सब राधा और आरती ने किया है, पर राधा और आरती तो उसके खिलाफ साजिश कर रही होती है। राधा चुपके से हेमलता के कमरे में जाकर अपनी सास के दिए गहने को चुराने की कोशिश करती है, पर उसकी सास जो चुड़ैल बन चुकी होती है वो उसके पीछे खड़ी होती है। इन दोनों की नजर बस मेरे गहनों और मेरी प्रॉपर्टी पर है,
इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल पीछे से राधा के बाल पकड़कर उसे गोल गोल चारों तरफ घुमा देती है। अरे बचाओ बचाओ कोई मुझे। राधा चक्कर खाकर जमीन पर आ गिरती है। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। वो जल्दी से आरती के पास जाती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ पता नहीं किसने मेरे बाल पकड़कर मुझे घुमा डाला, वहाँ जरूर कोई भूतिया चुड़ैल है। आप भी ना कितनी डरपोक हो, देखो मैं कैसे अभी गहने और कागज लेकर आती हूँ। इस बार आरती हेमलता के कमरे में जाती है और घर के कागज और गहने ढूंढने लगती है। अच्छा तो अब ये आ गई, इससे भी मैं जरा सबक सिखा ही दूँ। आरती अपनी सास के बक्से को खोल ही रही होती है कि पीछे खड़ी उसकी सास उसके सर पर छत से ढेर सारी मिट्टी के साथ एक भारी ईंट भी गिरा देती है। अरे मर गई मैं, हाय रे कोई तो बचाओ रे। आरती वहाँ से भागकर राधा के पास जाती है और चुड़ैल वहीं खड़ी खड़ी खूब हंसती है। कोई हाथ तो लगाकर दिखाए मेरे गहनों और कागजों को, आई बड़ी महारानी। राधा और आरती आपस में एक दिन बात करने लगती है कि कैसे गहने और घर के कागजों को हेमलता से चुराया जाए। एक काम करते हैं, इस हेमलता को ही ठिकाने लगा देते हैं, तभी इस घर के कागज और गहने हमारे हाथ लगेंगे। पर हम ऐसा करेंगे कैसे, आज रात को हम उसके खाने में जहर मिला देते हैं। नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, हम सीढ़ियों पर तेल डाल देते हैं जिससे वो फिसल कर ऐसा गिरेगी कि बचने का कोई चांस ही नहीं। राधा और आरती पूरी सीढ़ियों पर तेल फैला देती हैं और चुड़ैल ये सब करते उन्हें देख लेती है। ये अब इन हरकतों पर आ गई, इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को ही पीछे से धक्का दे देती है और दोनों लुढ़कते हुए नीचे आ गिरती हैं। दोनों के सिर फट जाते हैं और सर से खून आने लगता है। दोनों बुरी तरह चीखती हैं और उनकी आवाज सुनकर हेमलता बाहर आंगन से अंदर आती है। हे भगवान ये क्या हो गया। वो दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 20 लाख रुपए मांगता है। हेमलता अपनी सास के दिए सारे गहने बेचकर 20 लाख रुपए इकट्ठा करके हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। राधा और आरती ठीक होकर घर आ जाती हैं और उनके आने की खुशी में हेमलता घर में पूजा रखवाती है। पूजा के शुरू होते ही लीला देवी की कुर्सी जोर जोर से हिलने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान ये क्या हो रहा है। लगता है इस घर में कोई भूत चुड़ैल है। तुमने सही कहा, बिल्कुल इस घर में किसी का साया घूम रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और मंत्रों की ताकत से लीला देवी चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती हैं। कौन है तू, क्यों इन बच्चों को परेशान कर रही है। मैं इनकी सासू लीला देवी, ये राधा और आरती की वजह से मैं मर गई। मैं इन दोनों को सबक सिखाने और अपनी बड़ी बहू की मदद करने के लिए वापस आई हूँ। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो तुम दोनों, बताओ सीढ़ियों पर तेल किसने और क्यों गिराया था। बताओ कि तुम मेरे गहने और घर के कागज चुराने हेमलता के कमरे में नहीं जाती थी। बताओ कि तुमने मुझे मरने को छोड़ दिया और मुझे बचाने नहीं आई थी। नहीं नहीं पंडित जी ये सब झूठ है। चुड़ैल दोनों के बाल पकड़ लेती है। बता सच वरना तुम दोनों को ऐसे ही घुमाती रहूंगी। बताते हैं। राधा और आरती सारी बात सच सच बताते हैं। हमें माफ कर दो, अब हम सुधर गए हैं। जब कल हेमलता भाभी ने सारे गहने बेचकर 20 लाख रुपए जमा करवाए थे तभी हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अब हम सब मिलकर रहेंगे। मुझे तुम दोनों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। माँ जी आपको मुझ पर तो भरोसा है ना, ये दोनों सच में बदल गई हैं। आप इन्हें छोड़ दो। हेमलता के काफी मिन्नत करने पर लीला देवी उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। राधा और आरती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सुधर जाती है। उसके बाद वो तीनों बिल्कुल बहनों जैसी रहती हैं और हर काम मिलकर करती हैं।